फ्रेंड्स, डिलीवरी बॉय डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करें? एक पिज्जा बॉय हो सकता है, एक स्विगी जोमेटो वाला हो सकता है, एक डिलीवरी बॉय हो सकता है, कोरियर बॉय हो सकता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें? दोस्त, आज एक बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। फ्रेंड्स, आज आपको नीड के लोगों पर काम करना सिखाया जाएगा, जो जरूरत के लोग होते हैं उनके ऊपर आपको वर्क करना सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, नीड के लोगों पे काम करना सीखिए, क्योंकि नीड के लोगों पे, जरूरत के लोगों पे अगर आप काम करते हैं तो आपके ग्रोथ होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप खुद भी देख लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तीन टाइप के लोग ही आपके साथ हमेशा जुड़ते हैं। पहले वो होते हैं जो दबाव के कारण आते हैं, यानी कि जिनको हम शुरू शुरू में ज्वाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो उसके साले को अगर बोलता है तो वो दबाव में आके ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वो वर्क नहीं कर पाता। ऐसे लोग, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो दबाव के कारण हो सकते हैं, हो सकता आपका कोई दोस्त भी ऐसा हो। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो प्रभाव के कारण आते हैं, यानी कि एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप टीचर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आपके क्लाइंट या आपके कस्टमर के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है, वो आपकी बात को मना नहीं कर सकता, वो आपकी वजह से ज्वाइन कर लेता है। ऐसे लोग भी बहुत कम रेशो ऐसी होती है, कुछ 1% ही जो काम कर पाते हैं। अब इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है अभाव वाले, यानी कि जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, जिनको इनकम कमानी है, जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे अभाव वाले लोग आपको ज़्यादातर वो मिलेंगे जो अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूरी में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग कहां पे हैं दोस्त? ऐसे लोग डिलीवरी बॉय में हो सकते हैं, वॉचमैन हो सकते हैं। तो एक डिलीवरी बॉय अगर है तो वो वॉचमैन के साथ या अपने सर्कल में जितने भी और डिलीवरी बॉय हैं, जो स्विगी में है, जोमेटो में है, कुरियर बॉय में है, तो ऐसे सैकड़ों लोगों से उनका संपर्क होता रहता है, तो उनके साथ वो बिजनेस कैसे करे? फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने तेजपाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लोगों में शेयर करना है और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल रहेगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज के टाइम में पहले से अगर कंपैरिजन करें तो अब भी शहरों में डिलीवरी ज़्यादा होती है, यानी कि डिलीवरी बॉय को शहरों के अंदर ज़्यादा घूमना पड़ता है, और जब शहरों के अंदर उसको ज़्यादा घूमना पड़ता है तो हर जगह पे वो बहुत सारे अलग अलग लोगों को मिलता है, और उससे भी ज़्यादा वो वहाँ पे बिल्डिंगों के बाहर या किसी मोहल्ले के बाहर, किसी कॉलोनी के बाहर किसी वॉचमैन से ज़रूर मिलता है। तो अगर कहीं भी कोई भी आपको वॉचमैन दिखाई दे या आपके ही जैसा कोई डिलीवरी बॉय दिखाई दे तो उससे 2 मिनट का समय आप ज़रूर लिया करो, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको अपना काम भी करना होता है। जब भी आप किसी वॉचमैन से मिलो तो उसको आप ऐसे ही मिलो जैसे कि आप उसके अपने हैं, उसको फील नहीं होना चाहिए, आप उसको एक बहुत अच्छे व्यक्ति, आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान उसको दिखाई देना चाहिए। पहले तो आपने फेस पे स्माइल रखनी है, जब आप प्यारी सी स्माइल रखते हैं तो सामने वाला आपके साथ आधे से ज़्यादा तो वैसे ही एग्री हो जाता है। उसके बाद आप उससे राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आप करना चाहें आपकी या उनकी लैंग्वेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति से आप बातों बात में पूछ सकते हैं कि आप कितने दिनों से जॉब कर रहे हैं, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपकी जॉब की अच्छी खासी चल रही है या अभी ठीक ठाक है। तो इस प्रकार की बातें आप करके शुरू करके इन प्रकार की बातों में उनका इंटरेस्ट निकालना है कि वो अपनी जॉब से खुश भी हैं कि नहीं, क्योंकि 95% से भी ज़्यादा वॉचमैन या कोई डिलीवरी बॉय खुश नहीं है, वो सिर्फ मजबूरी में उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसको पार्ट टाइम करने से कुछ काम आ रहा है, कुछ इनकम आ रही है। तो आप उनको बता सकते हैं कि क्या सारी उम्र इस इनकम से काम चलने वाला है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इनकम आपके लिए कम है? जब आप इस प्रकार से क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाला आपको ये जरूर बोलेगा कि और हम कर भी क्या सकते हैं। तो उसको फिर आप अपना कंसेप्ट बताइए, और वो भी शॉर्ट में, कैसे कि क्या आप कुछ ऐसा करना चाहोगे जिसमें आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, कोई प्रोडक्ट ना बेचना पड़े और कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, आप अपने फ़ोन के ऊपर ही उस काम को कर पाओ, यानी कि 2 घंटा मात्र समय निकाल के अपनी ड्यूटी देते देते उस काम को कर पाओ, तो क्या आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे? और इसके अंदर आप जितनी इनकम आपको आपके सैलरी मिल रही है लगभग उतनी या उससे ज़्यादा इनकम आप यहाँ पे 2 घंटे वर्क करके भी कमा सकते हैं। तो सामने वाला आपसे यही पूछेगा कि क्या काम है, तो उसके लिए आपने एक ही आंसर देना है, आपने बोलना है कि इसको जानने के लिए क्या आप हमारे 40 मिनट के एक जूम मीटिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। अगर उसको जूम मीटिंग के बारे में नहीं पता, उसको अटेंड करने के बारे में नहीं पता, तो आप उसको
उसमें डाउनलोड करा के वो कैसे जुड़ना है उसको सिखा सकते हैं, या कोई बाद में वीडियो भेज सकते हैं। तो आपने 2 मिनट से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि उसके बाद वो पूछताछी में लग जाएगा और आप उसके जवाब नहीं दे पाओगे। उस टाइम पे उसको केवल इतना ही बोलना कि एक बहुत अच्छा काम है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप घर रह के या अपनी ड्यूटी पर रह के फ़ोन के ऊपर काम करके कर सकते हैं, जो लीगल है और जिसमें आप अपनी जॉब के साथ साथ उससे भी शायद कहीं अधिक इनकम कमा सकते हैं बिना जॉब को छोड़े। तो इस तरीके से आपने उसको कन्वेंस करना है, यानी कि टाइम लेना है मीटिंग के अंदर लेके आने का। उसके बाद तो आपको पता ही, जो भी व्यक्ति आपका सेमिनार या वेबिनार अटेंड कर लेगा, कि उसको आपने कैसे कन्वेंस करना है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, किस प्रकार से आपने उसको प्लान देना है, तो वो काम आप करिए। इस प्रकार से आप बहुत सारे जोमेटो, स्विगी और डिलीवरी बॉय आप खुद भी काम कर सकते हैं, और आप ऐसे लोगों से बहुत अच्छा वर्क या बहुत अच्छा काम करवा के उनको एक अच्छी आमदनी पे पहुंचा भी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा मेन मकसद है लोगों को रोज़गार देना, इस चीज़ को आप कभी मत भूलिए। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अनलिमिटेड लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो इसको आप हल्के में ना लें, ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा, बहुत ही पावरफुल बिजनेस बनने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक आपका ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।